हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, नो बेकिंग एट ऑल एंड इट्स अ नो बेक 5 मिनट्स केक। अगर किसी का बर्थडे भूल गए हैं, किसी को मनाना है, टाइम कम है, पार्टी है और आपको केक बनाना है, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। बेकिंग का बिल्कुल झंझट नहीं है। ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट एंड स्पंजी बना है मेरा पाइनएप्पल केक। मैंने पाइनएप्पल केक बनाया है। आप कोई दूसरा फ्रूट केक बनाना चाहते हैं तो आप दूसरा फ्लेवर बना सकते हैं। ये देखिए, इट्स अ वेरी सॉफ्ट स्पंजी एंड अ वेरी यमी एंड ईजीएस्ट केक एवर। इससे ज़्यादा ईजी रेसिपी नहीं मिल सकती। लिख के ले लो, दिस इज इट। ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करते हैं एंड फटाफट लगाते हैं चटकारा नो बेक 5 मिनट केक्स का। तो चलिए, सबसे पहले इसमें मैंने लिया है फ्रेश पाइनएप्पल, और आप चाहें तो जो टिन के अंदर पाइनएप्पल आता है, केन के अंदर आता है, उसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई प्रेफर फ्रेश फ्रूट्स, इसलिए मैंने फ्रेश पाइनएप्पल लिया है। एंड आई एम गोइंग टू कट इट इनटू पीसेस। इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं एंड थोड़ा सा गार्निश के लिए बाद में बचा के रख लेना थोड़ा सा। तो ये हमारा पाइनएप्पल है। अब हमें बस एक ही चीज़ चाहिए इसके अंदर, वो है शुगर सिरप। चाशनी बना लेते हैं, कोई तार की और गोले की इस तरह की कोई चाशनी नहीं बनानी है। सिंपल हमें बस शक्कर डिज़ोल्व हो जाए उतना ही बनाना है। तो फटाफट शक्कर डिज़ोल्व होने देते हैं इसके अंदर एंड दिस इज़ द ईजीएस्ट रेसिपी। आज तक मैंने इतने केक्स बनाए हैं, उसके अंदर का सबसे ईजी केक है ये। चलिए, शक्कर हो गया मेल्ट, एक बॉयल आ गया, तो इसमें पाइनएप्पल डाल देते हैं। पाइनएप्पल इसलिए इसमें डाला है, थोड़ा सा फ्लेवर जो है पाइनएप्पल का वो हमारी चाशनी में आ जाएगा और हमारे जो पाइनएप्पल है थोड़ा सा जो खटास होता है वो एकदम मीठा हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। पाइनएप्पल डालने के बाद सही 5 मिनट मैंने इसे पकाया है। मीनवाइल, जब तक ये पक रहा है, हम हमारा बेस तैयार कर लेते हैं। ये मैंने ब्रेड लिया है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। ये मैंने सिंपल वाइट ब्रेड लिया है और इसके कॉर्नर्स मैंने अलग कर दिए, तो मैंने अराउंड 12 ब्रेड ली हैं और इन सब के कॉर्नर्स अलग करके काट दिए हैं एंड इस तरह मैंने ब्रेड रेडी कर दिया। तो ये आप कर लीजिए एंड 5 मिनट बाद ये हमारा रेडी हो गया है। चाशनी बंद कर दिया मैंने एंड पाइनएप्पल अलग निकाल लेते हैं और इसकी जो चाशनी है उसको एक अलग बोल में निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। हम इतनी गर्म चाशनी यूज़ नहीं करेंगे ब्रेड के ऊपर, अदरवाइज ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे हमारी चाशनी को। तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं, क्रीम। ये हैवी क्रीम है 1 कप, इसको बीट कर लेते हैं एंड इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ पाइनएप्पल एसेंस। 1 चम्मच पाइनएप्पल एसेंस डाल दिए एंड इसको बीट करना बहुत इजी है। 3 मिनट मैंने बीट किया है, फर्स्ट 1 मिनट हाई स्पीड पे और फिर मीडियम स्पीड पे, तो क्रीम एकदम अच्छी बीट हो जानी चाहिए और बहुत इजी है, कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अभी ये पूरा देखे मैंने आपको उठा के दिखाया, अभी अच्छे से बीट नहीं हुआ है और थोड़ा सा बीट कर लेते हैं। टोटल मैंने इसे 3 मिनट्स बीट किया है। चले, ये देखिए, इट इज़ डन। तो चलिए, थोड़ा सा बेस के ऊपर हम लगा देते हैं क्रीम ताकि हमारी ब्रेड हिले नहीं इसके ऊपर से। तो इसको असेंबल कर लेते हैं हमारे केक को, बेक तो हमें करना ही नहीं है। बस देखिए, 5 मिनट के अंदर केक रेडी हो जाने वाला है। आप जितना बड़ा बनाना चाहें आप उतना बड़ा इसको बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। ज़्यादा लोग हैं बड़ा बना लीजिए, कम लोग हैं छोटा बना लीजिए। अब हम इसके ऊपर जो हमने चाशनी बनाई थी वो लगाने वाले हैं एंड ध्यान रहिएगा, ब्रेड जो हमारी एकदम फीकी है, अगर इस पर अच्छे से चाशनी नहीं लगाएंगे, अच्छे से बिल्कुल पिला देना है, अदरवाइज़ ब्रेड सूखा रह जाएगा, फीका लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। क्रीम का लेयर लगा देते हैं चाशनी के बाद, तो अच्छे से चाशनी लगाइएगा, उसके बाद क्रीम और ये जो हमने पाइनएप्पल
काटे थे फ्रेश पाइनएप्पल, वो पाइनएप्पल डाल दीजिए। आप चाहें तो दूसरा भी कोई और फ्रूट इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट आई जस्ट लव पाइनएप्पल्स। चलिए वापस से रिपीट कर लेते हैं। ब्रेड, ये हमारा शुगर सिरप। देखिए बहुत अच्छे से मैंने ब्रेड को शुगर सिरप पिला दिया है और हमारी जो ब्रेड है वो एकदम चमकदार हो गई है शक्कर पी के। अब चलिए फटाफट एक और लेयर बनाते हैं, ये हमारी क्रीम एंड लेवल कर देते हैं। पाइनएप्पल, इसी तरह से हम लेयर एक और लगा लेते हैं। आप चाहें तो और भी लेयर्स लगा सकते हैं, मैंने भी इसमें तीन ही लेयर्स यूज़ करी है। चलिए थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं केक को। और इसकी एजेस पे भी मैंने बनाया ताकि एजेस एकदम क्लीन हो जाए हमारी। आप चाहें तो आप इसको छोड़ सकते हैं, बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट इट विल लुक रियली वेरी ब्यूटीफुल, इसलिए आई सजेस्ट कि बना लीजिए। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे असेंबल करने में, सो इट्स अ वेरी ईजी रेसिपी एंड अ 5 मिनट नो बेक केक। चलिए मैं इस तरह इसका फटाफट बाउंड्री कर देती हूँ और फिर इसको हम गार्निश करते हैं ऊपर से पाइनएप्पल के साथ। एंड बिलीव मी, जैसा मार्केट के अंदर पाइनएप्पल का पेस्ट्री मिलता है एक्सैक्ट वही टेस्ट आएगा एंड इट्स सुपर इजी। ज़रूर 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 ट्राई कीजिए। मॉम का बर्थडे हो, सिस्टर का बर्थडे हो, अगर आपको कुकिंग नहीं भी आती है तो भी आप इसको बना सकते हैं। इट्स नथिंग रॉकेट साइंस, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए और थोड़ी सी मेहनत चाहिए। चीज़ें असेंबल तो करनी पड़ेंगी ना, बेक नहीं करना तो क्या हुआ। बेक करने में ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स लगते हैं, वो सब बच जाएंगे हमारे। ये देखिए मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है और फाइनली इसको पाइनएप्पल के स्लाइस के साथ गार्निश कर लेते हैं। आप इसको शॉर्ट छोटे टुकड़े काट के भी लगा सकते हैं, मैंने पूरा पीस रखा है। एंड सी इट looks so so beautiful and it's absolutely yummy। बिल्कुल बहुत अच्छे पाइनएप्पल की खुशबू भी आ रही है एंड फटाफट बनाती हूँ, काटती हूँ और खाती हूँ, वेट नहीं हो रहा है अब तो मुझसे। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। अगर अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है ये केक। जस्ट लुक एट दिस। फटाफट जाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे रेसिपीज़ लाने वाली हूँ। एंजॉय।